सत श्री अकाल, स्वागत है जी। वो सारे स्टूडेंट जिहड़े कैनेडा तो रिफ्यूज्ड ने, जिन्होंने रीफाइलिंग करनी है, सब तो पहला मैं उन्होंने ये कहना चाहूँगा कि माहौल इन्ना भी ज़्यादा माड़ा नहीं जिन्ना सोशल मीडिया से बनया होया। रीफाइलिंग वाले स्टूडेंट्स के वीज़े अज भी आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि तुसी फाइल किस तरीके नाल लगाई है, थोड़ा कंसल्टेंट किन्ना क एक्सपीरियंस होल्ड करता है, किन्ने उहदे टाइअप्स ने, बहुत सारिया चीज़ा मैटर कर दिया। सो अज की डेट च रीफाइलिंग वाले वीज़े भी आ रहे हैं, इहदे ते होर गल करांगे, जानांगे किस तरीके नाल कि फाइल अप्लाई की जाए कि वीज़े दे चांस वध ने। सो सब तो पहला स्वागत करता है साढ़े अज के गैसट लैंडमार्क इमीग्रेसन के चीफ जसमीत भाटिया जी, स्वागत। सत श्री अकाल। सो जसमीत जी, रीफाइलिंग दे केस तुसी इस वेले लै रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो रीफाइलिंग ना, मैं कल मेरे नाल एक स्टूडेंट बैठा, सो वो कहिंदे असी बहुत ही वड्डे कंसल्टेंट तो फाइल लाई सी, पर जदों साडी केस दो बारी रिफ्यूज़ हो गया तो असी उन्होंने कहा कि साडी तीजी बारी तुसी फाइल लगाओ। तो उन्होंने कहा जो दो बारी केस रिफ्यूज़ हो जाता असी फाइल नहीं लाते, तो उन्होंने उत्तों छड़ के वो बड़े हताश हो गए। उन्होंने पैकेज सिस्टम च अपनी फाइल लाती, सो इन्ने हताश हो गए। दिल्ली तो क्लाइंट से, सो हुण की कहिंदे आ साडे कोल किसी क्लाइंट नूं लैके आए कि वह तीन तो चार बारी रिफ्यूज़ सी। सो उन्होंने जो मेरी डिस्कशन हुई कि सर तुम लेंदे हो तीन चार बारी रिफ्यूज़, मैं स्टूडेंट को कहना चाहवागा जी चार बारी तुम प्राइवेट कॉलेज फाइल लाती ना, मतलब तुम्हारी फाइल हले पुटअप ही नहीं हुई चंगी तरह तो तुम फाइल लाई नहीं अपनी, सो वीज़ा कितों आना। और जे तुम चार बारी फाइल कितने पैकेज सिस्टम च लाती फिर भी वीज़ा नहीं आना, और जे तुम चार बारी फाइल लाती और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं की फिर भी वीज़ा नहीं आना। सो की गलतियाँ देखते हो फिर तुम लगाई, थोड़ा एक्सपीरियंस किदा का रह रहा फिलहाल रीफाइलिंग जी कर रहे हो? सो कई बार तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हों, मेरे सत्त बैंड है और फाइल बस जल्दी जल्दी पुटअप कर देता है, ना एस ओ पी पढ़ता है। मतलब प्रेफरेंस मैं स्टूडेंट को कहाँगा कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट ना लाओ, चाहे थोड़ी एस टी एस फाइल हैगी है, सो ना ही वो पुटअप करता है। और मैं तो सुनना चाहिए कि बहुत कंसल्टेंट एस ओ पी लाते ही नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, कि चलो कंसल्टेंट एस ओ पी तो इन्ना क्यों भजते हैं? जी एस ओ पी टाइम लगता, मैं तुम दसा मेरे को भी जो कोई बच्चा जो पेपर कंप्लीट कर करके जाता ना, अज तो मैं उन्होंने कहना कि बेटा 10 दिन लगन गए थोड़ी फाइल में, शायद 12 ही लग जा, क्योंकि मैं हूँ सारे की एस ओ पी के उत्ते चार बंदे लाए हुए हैं, फिर वो सारे की एस ओ पी उत्ते सीनियर्स तीन बारी पढ़ते हैं, वो फिर असी चेंजिस करके वो फाइल लॉज करी दी है की कहें। बट इदा नहीं है ना हूने मैं फाइल दे के गया, इस क्या स्टूडेंट की भी कई बार गलती होंगी है, स्टूडेंट कहता मेरे पेपर पूरे हो गए हूने लॉज कर दो मेरी फाइल। सो कंसल्टेंट किदा ध्यान देगा तुहाडी फाइल ते? सो कंसल्टेंट भी उदा ही लॉज कर दिंदा, जिन्ना कोई ज़्यादा ज़्यादा फाइलां लगियां उदा ही लॉज करी जांदे फटाफट, कई आ जाते हैं वीज़े, कई रिफ्यूजल आई जाती है, सो फर्क नहीं पैंदा उन्होंने। सो फर्क की कहिंदे जे असीं गल करिए तां साडे लई हर क्लाइंट इंपोर्टेंट है, जे तुहानू रिफ्यूजल आई है तां मेरे लिए होर ज़्यादा इंपोर्टेंट हो, जे तुसीं मेरे तो रिफ्यूज़ हो या किसी तो भी रिफ्यूज़ हो, क्योंकि एक साडे लई चैलेंज बन जाता कि ये क्लाइंट या तो साडे तो रिफ्यूज़ होया, इहनू वीज़ा मिलना चाहिए। और जदों तुसीं साडे कोलों रिफ्यूज़ हो के की कहिंदे जां तुसीं चेंज कर दिओ अपना कंसल्टेंट, कई बारी जदों सब कुछ सही है तुहाडी फाइल च, उहदे च नुकसान क्लाइंट का ज़्यादा है, कंसल्टेंट का घट है। सो मैं उदों तक स्टूडेंट का खेड़ा नहीं छड़ता, तुसीं कह लो खैर मैं इदां दा वर्ड यूज़ कर रहा कि जब तक वह वीज़ा मैनू सैटिस्फैक्शन ना होए कि इनू फाइल नहीं लानी चाहिए अपनी। सो जे तुसीं एस डी एस केस है तुहाडे बैंड ओके है, परसेंटेज ओके है, दो चार बारी कि पांच बारी रिफ्यूजल आ चुकी है, यू शुड रीअप्लाई। सो जसमीत जी, रीसेंट मैनू ट्रेंड दसो तुसीं लैंडमार्क का, कि तुसीं रीसेंटली जिहड़ियां 20-25 महीने च जिहड़ियां रीफाइलिंग कीती है कनेडा दी, वो किदां दा? नहीं नहीं, मेरे को इस महीने जी असीं गल करिए तां 60-70 वीज़े आए होणगे रीफाइलिंग वाले। हाँ जी हाँ जी, 60-70 वीज़े होणगे घट्टो घट्ट, नहीं तां मेजोरिटी च किदां दीआं करैक्शनस कीतीआं, नेचर ऑफ करैक्शनस? सी कई वारी तां स्टूडेंट देखो पहले ही गल तां प्राइवेट कॉलेज वालिआं नूं असीं पब्लिक कॉलेज दिंदे आ, उही बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पब्लिक कॉलेज च अप्लाई नहीं करते, मिसगाइड हो जाते हैं, दे डोंट गैट दैट ऑप्शन, असीं पब्लिक कॉलेज दिंदे आ। और सैकेंड चीज़ असीं गल करिए कोर्स रेलीवेंसी च, कितें ना कितें जे कहीए तां मिसमैच हो सकता कि नहीं सही अप्लाई कीता। और फिर मैं कई बार क्लाइंट मैनू भी कहें सर तुम रिपीट बड़ा करते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए कि कई बार की होंगे कि असी ऐसी सिटी अप्लाई कर रहे हैं, सानू पता साडी प्रोफाइल वीक है, पर फिर भी असी ऐसी सिटी अप्लाई कर रहे हैं जिते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, सो सानू एक छोटी सिटी लैनी चाहिए, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो उत्थे भी बहुत फर्क पैंदा स्टूडेंट की प्रोफाइल के नाल। सो और कई बार ये भी फर्क पैंदा कि कहें जो तुम एक अच्छी एस ओ पी पुटअप करते उहदे नाल भी
काफ़ी फर्क पै जाता है कि एस ओ पी एटलीस्ट वी हैव पुट अप अ गुड एस ओ पी। कई बार अंबैसी लगता है कि इन्होंने पहला रीजनिंग सही नहीं दी, हूँ रीजनिंग सही हैगी है और रिफ्यूजल तो बाद जेन्युइन स्टूडेंट है। सो लास्ट से की कहोगे जी, रीफाइलिंग के रिजल्ट तुम कह रहे हो ऑप्टिमिस्टिक ने, बड़े वधिया आ रहे ने, मतलब कैनेडा वालों पॉलिसी लैवल पर कोई नैगेटिव ट्रेंड नहीं है? सी पॉलिसी लैवल पर नैगेटिव ट्रेंड नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जिन्होंने कहना मैं राइट ऑफ कर देना। सैकेंडली शायद ये हो सकता है कि जोड़े इस साल का कोटा से खत्म हो चुका हो और हूँ घट वीजे आने जनवरी तो दबा के वीजे आन, सो दिस कैन बी ऑलसो अ पॉसीबिलिटी। थर्डली की कहते रश बहुत है कैनेडा च, इस टाइम मैं तुम्हें दसिया कि डेली 700 बच्चा कैनेडा ट्रैवल कर रहा, सो हले तो पुराना ही जा रहा है, जिन्हें हले पिछले डेढ़ साल वीजे ले बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, सो रश बहुत ज़्यादा है, दिस कैन बी ऑलसो अ रीज़न। और थर्डली की कहते हूँ कई बार वीक प्रोफाइल वाला कहता कि मैनू रिफ्यूजल आ गई, सो तुम तो रिफ्यूजल आ गई, कई बार स्ट्रोंग प्रोफाइल वाले भी रिफ्यूजल आ गई, 7.5-8 बैंड वाले भी रिफ्यूजल आ गई, सो हाउ डू वी जस्टिफाई कि मैं इस टाइम पर किसी स्टूडेंट को यह नहीं कह सकता कि तेरा वीज़ा लग जूगा या तेरा वीज़ा नहीं लगेगा, सो हाउ डू वी जस्टिफाई, सो देर इज़ नो कलैरिटी राइट नाउ। सो कितने ना कि यह जरूर किया जा सकता कि तुसी क्लैरिकल मिसटेक इस वेले अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वो करके दो बारी थोनू एजेंट की गलती करके फाइलिंग मिसटेक करके दो रिफ्यूजल आ गई, तो मैं यही कहूँगा सस्ता एजेंट कई बार बहुत महंगा पै जाता। सस्ता असं फीस नहीं चार्ज करते, मैं ये ऐड करना सस्ता हटा दिए, तो साड़ी कोई प्रोसैसिंग फीस नहीं है, सो एस डी एस केस है ताडा, देर इज़ जीरो प्रोसैसिंग फीस, सो कोई प्रोसैसिंग फीस लैंडमार्क इमीग्रेसन चार्ज नहीं कर रहा, और जे तुसी इस चीज़ का बेनीफिट लेना चाहते हो तो साडे नियरेस्ट ऑफिस जरूर पहुँचो। सस्ता नहीं है, सो सस्ता की असी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, सो सस्ता नहीं मैं कहाँगा, इनएक्सपीरियंसड कहाँगा, कई बार आप बड़ी महंगी चीज़ लैने पर वधिया नहीं होंगी, और कई बार जो असं कही कि बड़ी सस्ती चीज़ ही बहुत वधिया निकलती है, सो दैट इज़ नॉट द केस, सो एक्सपीरियंस साडी फील्ड च बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सो इन्ने सालों तो असी जो बैठे हाँ तो दैट इज़ बिकॉज असी जेन्युइन आ, एक्सपीरियंस दे होने दे नाल नाल असी जेन्युइन आ, असी किसी भी स्टूडेंट नू मिसगाइड बिल्कुल नहीं करते, दैट इज़ साडी कंपनी की फस्ट पॉलिसी यही हैगी है। सो स्टूडेंट जे तुसी भी रिफ्यूज्ड हो रीफाइलिंग करन लगे हो तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख के जो जसमीत जी ने रिजल्ट दसे रीफाइलिंग दे बहुत पॉजिटिविटी है, थोड़े अंदर भी पॉजिटिविटी आई होएगी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।